Hello guys, I hope. Hello guys, welcome to this webinar. आप सभी का स्वागत है यहाँ पर. I hope आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख पा रही है और मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, तो प्लीज मुझे चैट में बताइए और हम स्लोली स्टार्ट करेंगे एक या दो मिनट में. प्लीज चैट में बताइए अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है. ओके संदीप जी, थैंक यू. ओके अमनदीप जी, थैंक यू, थैंक यू. जस्ट एक दो मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्लोली आज का. हाँ जस्ट बने रहिए, अभी साउंड नहीं है क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ. जस्ट एक दो मिनट और वेट करते हैं हम, जस्ट 5 मिनट तक वेट करते हैं ताकि जो कोई ज्वाइन करना हो ज्वाइन करें, फिर हम स्लोली स्टार्ट करते हैं. तो जस्ट रहिए साथ में, 2-3 मिनट और वेट करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं. ओके गाइज, स्लोली स्टार्ट करते हैं. आई होप सभी को मेरी आवाज क्लियर है, एक बार और क्लियर कर दीजिए ताकि मेरी आवाज सभी को क्लियर है और मेरा कैमरा ऑन है, शायद अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे. इज इट ओके, सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन देख पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं? ओके गुड, थैंक यू अमन जी. चलिए आज का ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं. ये जैसे वेबिनार की सीरीज है, हम टिकमिल के साथ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं. पहले जो वेबिनार की सीरीज की थी हमने, वो फरवरी के मंथ में की थी. वहां पर हमने 4 वेबिनार किए थे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे किए थे.
अब यहाँ पर ये अगेन हम इस मंथ 12 मई से स्टार्ट हुई है, हम 4 वेबिनार करेंगे, तो हर हफ्ते आप इस वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्यूसडे को होगी, हर थर्सडे को होगी, और लास्ट का जो वेबिनार होगा वो 31 मई हम ट्यूसडे को करेंगे। तो ये 4 वेबिनार की सीरीज है जो हम करेंगे, और वहां पर आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और भी तो आपने अभी किया होगा रजिस्टर, ये सभी के लिए आपके लिए वैलिड होगा। तो अभी हम स्लोली इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे ये एक इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, जस्ट इसके बेस पे आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा पहला जो वेबिनार है ये कैंडल स्टिक का है विद ट्रेंड, तो कैसे ट्रेंड के साथ आप कैंडल स्टिक को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि कौन सी जो पावरफुल कैंडल स्टिक है उसको आप यूज कर सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भी हमने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं काफी प्रेजेंटेशन में भी बताता हूँ कि जो भी आपका प्राइस एक्शन है या इंडिकेटर्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, टेक्निकल हैं, हार्मोनिक, ये इस कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। हम प्राइस एक्शन के ऊपर में कुछ वेबिनार करेंगे, इंडिकेटर्स के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, फिर उस तरीके से हार्मोनिक के ऊपर, और आज का जो हमारा वेबिनार है वो प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक के ऊपर बात करेंगे कि कैंडल स्टिक को कौन सी को कैंडल स्टिक को आपको ट्रेड करना है। और यहाँ पर काफी स्ट्रेटेजी है जो हम वेबिनार बाय वेबिनार करेंगे। आज यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कैंडल स्टिक है उसको हम समझेंगे और उसके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक में यहाँ पर जो मेन बात है हमारी आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टेल बार और पिन बार के बारे में, जो काफी फॉर्म होते हैं आपने चार्ट में देखा होगा। जस्ट मैं यहाँ पर चैट ऑप्शन को देख लेता हूँ, मुझे चैट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेल बार या पिन बार बहुत ही पॉपुलर है और काफी आपने इसके बारे में सुना होगा, या जहां पे भी आप चार्ट में देखते होंगे इसको कई बार आप देखते होंगे कि ये फॉर्म होता है। और इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं आप एक पेन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप जो लेफ्ट चार्ट देख रहे हैं हमारा, जब भी पिन बार फॉर्म होता है आप इसको पिन बार बोल लें या आप इसको टेल बार बोल लें, मतलब दोनों का एक ही होता है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो आज हमारा मेन टॉपिक इसी के ऊपर। तो पेन बार का मतलब या तो आप देखिए स्टैंडर्ड जो आपकी कैंडल स्टिक होती है वो इस तरीके से होती है, या फिर आपका ओल्ड जो टाइम होता था जो कैंडल स्टिक से पहले वो बार पैटर्न होते थे वो इस तरीके से होते थे। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी बॉडी होती है ये तो आपकी बॉडी हो गई जहां पर आपका ये टाइम था, उसके बाद ये जो भी बॉडी से अदर पार्ट रहता है उसको विक कहते हैं, और जो इससे ऊपर जो है वो नोज कहती है। आप जो भी कहना चाहें उसको कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझिए कि स्पिन बार ये हमारे साथ ये टेल बार क्या क्या रहा है। मान लीजिए यहां से प्राइस इसका ओपन हुआ, प्राइस नीचे तक गया, फिर दोबारा से वापस गया, यहां तक गया और क्लोज यहां पर हुआ। तो मतलब ये है कि ओपन का प्राइस ये है, क्लोज का प्राइस ये है, ये आपकी बॉडी फॉर्म करता है, और जहां तक वो हाइएस्ट गया वो आपकी वीक, और जहां तक वो नीचे लोवेस्ट तक गया वो आपकी वीक। तो ऊपर का पार्ट इसमें यहाँ पर नोज हो जाता है, नीचे का वीक। अगर ये उल्टी तरफ से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पिन बार, अगेन यहाँ पर ये प्राइस ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, और यहाँ तक ये लो गया और ऊपर तक ये गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप बुलिश पिन बार में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो मेन जो आपकी पार्ट रहती है ये जो रहता है इसको आप बॉडी कहते हैं, अगर ये रेड वाली है तो इसको बॉडी कहेंगे, और जो रेस्ट जो पार्ट होता है उसको हम टेल बार या पिन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम टेल बार या पिन बार इसको हम बोलते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये बार फॉर्म होते हैं और कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगले उसमें चलते हैं, मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पर आप देखेंगे जो मेन जो पिन बार होते हैं आपके, जैसे स्टैंडर्ड पिन बार हो गया, पिन बार विद नो, जो भी मैंने बात की, पिन बार विद नो रियल बॉडी, या फिर आपके बीआरएस हो गए स्टैंडर्ड पिन बार विद नोज, पिन बार विद रियल बॉडी। यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर ग्रीन कैंडल है, अगर हम ग्रीन कहें कि हम बाय के लिए देख रहे हैं कि प्राइस नीचे तक गया और यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग थे और उसको प्राइस को दोबारा लेके गए, उसको स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ फॉर्म किया है, तो मतलब यहाँ पर आपके बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग थे और थोड़ा नीचे आए और सेलर थोड़ा वहां पर थे इसलिए उसको थोड़ा प्राइस को नीचे ले गए, पर फिर भी इसका मतलब क्या है कि आपके बायर स्ट्रॉन्ग।
यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे तक गया, पर क्लोज भी सेम जगह पे हुआ जहां पर वो ओपन हुआ था, उससे ऊपर वो उसको लेके नहीं गए। और सेम इसी तरीके से अगर उल्टी डायरेक्शन में देखें, प्राइस नीचे था ऊपर तक गया पर क्लोज ना हुआ, उससे दूसरी डायरेक्शन में, मतलब सेलर उसको नीचे तक लेके गए जहां से वो ओपन हुआ था, दूसरी तरफ अगेन नीचे तक लेके गए पर उसको बायर ऊपर आ गए और उसको क्लोज किया। सेम यहाँ पर जो नो बडी होता है, मतलब यहीं पर ओपन हुआ, यहीं पर क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पर सेलर आपके स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपके बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर देखिए, अगर ओपन हुआ था, सेलर उसको नीचे लेके गए, प्राइस नीचे तक गया, अगर यहाँ पर 100 था, 95, 80, 75 नीचे गया, पर बायर वहां पर कोई थे जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो उसको ऊपर लेके चले गए, मतलब कि ये जो एरिया जहां पर था, यहाँ पर बायर और सेलर की कहें कि लड़ाई हो रही थी, या कहें कि जो भी था वहां पर, फिर बायर वहां पर स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए ये बार काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं। और इसको ट्रेड करने में, इसका ट्रेड करने का तरीका, वो कैसे ट्रेड करते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमने इस चीज को समझा कि पिन बार क्या होते हैं, टेल बार क्या होते हैं। अब क्या आप कोई भी टेल बार को ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी टेल बार को कहीं पर भी फॉर्म हो, ऐसा नहीं है। टेल बार के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहां पर ये फॉर्म होते हैं हमें वो देखना होगा कि किस जगह पर ये हो रहे हैं, और लोकेशन को पहले आपको समझना होगा कि लोकेशन क्या है, कहां पर ये फॉर्म है, और उससे पहले आपको समझना होगा कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंड, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता चलता है तो आपको प्रॉब्लम रहेगी कि ये बार अप में था या डाउन था। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगेन मैं यहाँ पर नोट ले लेता हूँ, कि जब भी आप ट्रेंड देखें, ट्रेंड आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आपका हायर हाई बने, हायर हाई मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई, ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर बना है, मतलब कि, और हायर लो ये वाले इस लो से ऊपर बना है, मतलब कि आपका ट्रेंड अप है। जब ट्रेंड आपका अप है तो आप इसमें हमेशा बाय के लिए देखें। जब आपका लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, ये लो बना, फिर ये लोअर हाई था, ये वाला लो इस लो से नीचे है और ये लोअर हाई इससे नीचे है, मतलब कि आपका ट्रेंड डाउन में है, आप इसमें सेल के लिए देखेंगे। तो ये पहला तरीका है जब आप ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, या तो आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं, या फिर आइदर हायर हाई, ये चीजें यही मैंने आपको रिपीट किया है, यही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। दूसरा, मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। कि मूविंग एवरेज का कैसे यूज कर सकते हैं, जब भी प्राइस आपका मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा हो, मतलब कि आपका जो ट्रेंड है वो अप है। अब कौन सी यूज करना चाहें, आप 20 यूज करना चाहें, आप 50 यूज करना चाहें, 50 थोड़ा स्लो चलेगी, 20 थोड़ा फास्ट चलेगी। तो अगर प्राइस 20 से ऊपर चल रहा है तो आपका अप ट्रेंड है, अगर उससे नीचे चल रहा है तो आपका डाउन ट्रेंड है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो कॉमन आता है, जो मेरे से काफी पूछा जाता है, कि हमें कौन सी मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए, कि हमें सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए। उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज ईएमए, ईएमए को कैसे समझेंगे। यहाँ पर मैं एक बार और पेन को ले लेता हूं, चलिए, व्हाट इज ईएमए, ईएमए का मतलब क्या है, कि मान लीजिए मैं 1 आवर के चार्ट में, और यहां पर मेरे कैंडल कुछ फॉर्म हुई हुई है, और मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाया और वो इस तरीके से मूव हो रही है। तो 1 आवर के चार्ट में है, तो जितनी भी ये कैंडल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक एक कैंडल एक एक आवर्स की, तो अगर मैं 20 मूविंग एवरेज ये यूज कर रहा हूं, तो लास्ट की जितनी भी 20 कैंडल होंगी, ये उसका एवरेज प्राइस दिखाता है, जो आपका मूविंग एवरेज होता है। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, कि जो भी है उसकी लास्ट की कैंडल्स होती हैं, उसकी वेटेज ज्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारी 20 कैंडल्स थी, तो हर एक का वेट अगर मैं देना चाहूँ, पहले की एक कैंडल का वेट 1, दूसरी का 2, 3, 4, इस तरीके से आप देना चाहें, 20 कैंडल हमने यूज, तो इसका वेट 20 है, उसका 19 है, इस तरीके से जो ज्यादा वेट होगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, वही कैंडल्स को मूव करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो लास्ट की कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो मूविंग एवरेज जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी ज्यादा, क्योंकि ये लास्ट वाली कैंडल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। अगर वो लास्ट वाली कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो मूविंग एवरेज आपकी नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी। तो जो लास्ट की आपकी 5-10 कैंडल होंगी, उसमें ज्यादा वेट उसी को देगा, और उसकी जो मूवमेंट होगी उन कैंडल्स की, उसके हिसाब से आपकी मूविंग एवरेज मूव करेगी। ये होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरी होती है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में सेम ही कॉन्सेप्ट है, कि मान लीजिए आपकी 20 कैंडल फॉर्म हुई है, ये आपकी 20 कैंडल हो गई,
उसके बेस पे आपकी मूविंग एवरेज बन रही है। तो यहाँ पर वेट का कोई सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर हर एक कैंडल की अपनी पूरी इंपॉर्टेंस होती है। जो कैंडल पहले की इंपॉर्टेंस थी वही लास्ट की है, और उन सबका ये एवरेज करेगी विदाउट वेट। यहाँ पर कोई वेट वेटिंग सिस्टम नहीं लगेगा, तो सबकी कैंडल जहां से वो पहली लास्ट की 20 उसके हिसाब से मूविंग एवरेज आपकी फोन होती चली जाएगी। और SMA EMA आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको EMA यूज करनी है SMA यूज करनी है। ये आपको देखना है कि आप लास्ट वाले प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या फिर जो पूरी सिंपल मूविंग एवरेज है, पूरी 20 कैंडल है या जितनी भी कैंडल है उनका वो चलना चाहिए। अगर 50 कैंडल लेंगे तो वो लास्ट की 50 कैंडल का एवरेज होता है, 100 लेना चाहे 100, 20 का होता है 20, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें हमें एंटर कैसे करना है, कैसे आप इसको एंटर कर सकते हैं कि टेल्स या जो पिन बार है उसको एंटर कैसे करेंगे। अगर हमें बाय करना है, हम अगर बाय के लिए देखेंगे तो आपको देखना होगा राइजिंग मूविंग एवरेज। तो राइजिंग मूविंग एवरेज का मतलब कि आपकी मूविंग एवरेज जो होगी वो राइज होनी चाहिए। राइजिंग का मतलब कि प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका ट्रेंड अप है और कैंडल स्टिक आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड आपका अप है। जब ट्रेंड आपका अप है तो फिर आप इसमें बाय के लिए देखेंगे। और बाय के लिए जो हमने आपको बताया कि आपका टेल बार हमें देखना है, अगर हम ये वाले टेल बार देखें जहां पर टेल बार उसको कहेंगे, मतलब कि एक दो चीजें और यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अगर ये इस तरीके से टेल बार बने जहां पर बॉडी और विक दोनों बराबर, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रहती है। जहां पर आपकी बॉडी कम हो और विक ज्यादा बड़ी, तो यहां पर अगर मैं कहूँ ये 50-50 है इंपॉर्टेंट, ये भी वैल्यूएबल है, पावरफुल है, पर यहां पर आप देखें जो विक है वो कम से कम 70-80% और यहां पर ये 20-30%। तो जब बॉडी आपकी कम वेट की हो और विक ज्यादा हो तो वो वाली कैंडल्स ज्यादा फॉर्म होती है। उसी तरीके से अगर मैं इसमें नीचे की तरफ देखूं, यहां पर आप देखेंगे बॉडी जो है 20-30% है टोटल पार्ट, और यहां पर जो विक है वो 60-70% इतना हो। पर अगर वही कैंडल इस तरीके से बने, है इंपॉर्टेंस ये भी, पर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितनी वैल्यू इसकी रहेगी। जितनी बड़ी आपकी विक होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी रादर देन इसके। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें यही देखना है कि जहां पर ये जो कैंडल स्टिक फॉर्म हो, जो विक के साथ फॉर्म हो, जहां पर ये विक वाला पार्ट हो वो ज्यादा बड़ा हो। तो अब हम अगर बाई के लिए देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो भी प्राइस फॉर्म हो रहा है, जो भी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है, हमें देखना है आपकी मूविंग एवरेज जो 20 यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, SMA आप यूज करना चाहें, EMA यूज करना चाहें, वो अपर ट्रेंड हो, ऊपर की तरफ हो। और हमें जो देखना है वो टेल बाप जो फॉर्म हो वो बिलो 20 या एड। तो अगर यहाँ पर प्राइस चल रहा है इस तरीके से और यहाँ पर ये आपकी टेल बाप फॉर्म होता है तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, हमें यहाँ पर इसको बाय के लिए देखना है। या फिर इससे नीचे भी फॉर्म होता हो तो भी हम इसको बाय के लिए देखेंगे। ये तो हुआ आपके लिए बाय के लिए। सेम ही चीज अगर मैं सेल के लिए देखूंगा तो यहां पर डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज, तो अगर मैं यहां पर इस चार्ट को क्लियर कर देता हूं, मोमेंट रुकिए, ओके मैं दूसरा यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ सके। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूँ कि हमें अगर सेल के लिए देखना है, सेल के लिए हमें क्या देखना है, आपकी 20 मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग में होनी चाहिए और प्राइस आपका क्या होना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा होना चाहिए। तो अगर कैंडल स्टिक नीचे चल रही है तो फिर हम इसमें सेल के लिए देखेंगे, मतलब कि वही लोअर हाई लोअर लो बने या फिर आप मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे चल रहा हो तो आप इसमें फिर सेल के लिए देखेंगे। और सेल के लिए हमें कहाँ देखना है, जब आपका कैंडल स्टिक या तो इसके पास फॉर्म हो या इससे ऊपर फॉर्म, तो फिर हम उसमें सेल के लिए देखेंगे। जब भी आप एंटर करेंगे इसमें दो तरह की एंट्रीज होती है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए प्राइस यहां पर इस तरीके से चल रहा है और प्राइस दोबारा से यहां पर गया और ये हमारी 20 मूविंग एवरेज थी, यहां पर ये कैंडल फॉर्म हुई, तो सेलिंग के लिए जो हमें देखनी है वो कैंडल इस तरीके की देखनी है जहां पर सेलर हो, विक ऊपर की तरफ होगी आपकी। यहां पर हम ये वाली कैंडल को नहीं देखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो हमारे लिए जो कैंडल होगी हम इसको देखेंगे। इसमें क्या होगा, आप दो तरीके से एंटर करते हैं, जैसे ही आपकी विक फॉर्म हुई
ये कैंडल फॉर्म हुई, आप इसमें एग्रेसिव, दो तरीके के होते हैं ट्रेडर, या तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या थोड़े आप पेशेंस वाले हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाएंगे, और जो भी आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो उससे ज्यादा कम से कम आपका टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि 1.5 या 2 या 2:1 जितना आप लेना चाहो, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है, आप एग्रेसिव नहीं है, आप पेशेंस ट्रेडर, तो मान लीजिए अगेन प्राइस आपका इस तरीके से यहाँ पर चला हुआ है, इस बार मैं बाय का ऑप्शन लेता हूँ, कैंडल यहाँ पर हुई, ये आपकी 20 मूविंग एवरेज है और यहाँ पर आपकी ये टेल बार फॉर्म हुआ। आप यहाँ पर अगर एग्रेसिव ट्रेडर होते आप यहीं पर इसमें एंट्री ले लेते, पर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बाय के लिए देख रहे हैं, तो या तो ये ग्रीन कैंडल होगी या जो भी होगी ये आपकी बॉडी हुई, जो दूसरी कैंडल बनेगी जो ग्रीन कैंडल, जब उसको वो उसको क्रॉस करे तब आप उसमें एंट्री लें, अगर वो उसको क्रॉस नहीं करती है तो आप एंट्री नहीं। तो दो तरीके के ट्रेडर जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो है एग्रेसिव ट्रेडर और दूसरे हैं पेशेंस वाले ट्रेडर। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसे ही वो कैंडल फॉर्म हो आप उसमें वहां पर एंट्री लेंगे, अगर पेशेंस वाले ट्रेडर हैं आप वेट करेंगे जब तक ये आपका बार यहाँ पर क्रॉस ना कर दे इसको, तब आप इसमें एंट्री लेंगे, अगेन स्टॉप लॉस आप उसके नीचे लगाएंगे, टारगेट प्रॉफिट आपका 1.5 या 2:1 इतना होना चाहिए। जब भी आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यहाँ पर ले एटलीस्ट इतना आपका टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो एंट्री के ये दो ही तरीके हैं, या तो आप एग्रेसिवली इसको लें या फिर पेशेंस के साथ इसको लें। हम ये सब चार्ट में देखेंगे, आपको मैं चार्ट में दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम इसको चार्ट में देख सकते हैं। ओके, मुझे बताइएगा अगर मेरा चार्ट आपको विजिबल है, यहाँ पर आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं या नहीं, क्या सभी को मेरा चार्ट विजिबल है? नहीं? ओके ओके, मैं दोबारा से इसको शेयर कर रहा हूं, दोबारा से चेक कीजिए। ओके, अब आप देख पा रहे हैं। चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो भी हम स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, जो टेल बार के लिए आपको मैं बता रहा हूं, इसको अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्राई करेंगे या टेस्ट करेंगे, जो भी मैं बता रहा हूं आप पहले इसको टेस्ट कीजिएगा, हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। आप इसको डेली 4 आवर 1 आवर इतना आप इस पर ट्राई कीजिए, इससे नीचे मत जाइएगा, 15 मिनट 5 मिनट या हाफ आवर पे इसको ट्राई कीजिएगा, वहां पर इसको इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर ट्रेंड एकदम से रिवर्स होता है। तो आप इसको हाई टाइम फ्रेम में ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम में हूँ यहाँ पर, और हम यहां से अगर हम एग्जांपल ले चलिए, तो सबसे पहले हमें आप या तो लोअर लो लोअर हाई पता करना हो तो आप यहाँ ही से देख सकते हैं कि मेरा नीचे की तरफ लोअर लो बन रहे हैं, हम इसमें सेल के लिए देखेंगे, या फिर आप मूविंग एवरेज, जैसे मैंने बोला लोकेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेंगे। यहाँ पर मूविंग एवरेज यहां से मैं लेता हूं, ये आपकी मूविंग एवरेज है, यहां पर ये 9 है, मैं इसको 20 कर देता हूं, जो भी आपने इसको स्टाइल देना है आप इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा हम इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं और ओके, अब ये हमारी 20 मूविंग एवरेज यहां पर चल चुकी है। तो यहां पर हमने बात क्या की है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहां से सीधा प्राइस देखिए, यहां से ऊपर गया, ओके ये हमारा था, इसके बाद प्राइस यहाँ पे आया और दोबारा से इसको क्रॉस किया, अब हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में, तो मतलब कि अब यहाँ से हमारा लोअर लो बनना शुरू हो गया, अब हम इसमें सेल के लिए देखेंगे। अब मैंने जैसे बोला आपको, हमें जो देखना है जो आपकी कैंडल्स है जो टेल बार है वो अगर मूविंग एवरेज के पास या उससे ऊपर बने, यहाँ पर हम सेल के लिए एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हमें उससे ऊपर देखना है। तो अगर यहाँ पर आप इसी में देखें, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, आपकी पहली कैंडल कहां पर बनी है, रेड कैंडल ये बनी, मैं ज़ूम कर लेता हूं, आई होप आप सभी को दिख रही होगी अच्छे से। यहां पर आप देखिए पहली कैंडल जो बनी है आपकी ये है, टेल बार कह सकते हैं पर यहां पर उसकी कितना देख रहे हैं 50-50, जितनी बड़ी टेल है उतनी ही बड़ी बॉडी है, तो मेरे लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं पर मैं नहीं कहूंगा। दूसरा कैंडल बना, बहुत छोटी बनी है, तो अगर कैंडल इस तरीके से भी बने उसमें कुछ पावर नहीं होगी, आप उसको अवॉइड कीजिए, भले ही उसमें अगर इस तरीके से बने और बॉडी भी इस तरीके से बने, यहाँ पर सॉरी मैं ठीक तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर टेल बार भले ही 60-70% हो पर अगर वो पूरी बॉडी बहुत छोटी सी बन रही है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं रही। आप तीसरा बार देखिए, यहाँ पर देखिए 60-70% आपकी टेल है
और आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल जहां से प्राइस खत्म हुआ था वहीं पर। तो आप अगर यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आप तीसरे बार इस वाले बार में एंट्री लेंगे। अगर आप इसको भी मिस कर जाते हैं, चलिए यहाँ पर ये आपको एक और एंट्री दे रहा है जो कि दूसरा वाला है, ग्रीन वाला। तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप या तो यहीं पर एंट्री ले लेंगे, या आप थोड़े पेशेंस वाले ट्रेडर हैं, जब तक ये इसको क्रॉस करे आप यहाँ पर इसमें ट्रेड ले। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं इसमें एंट्री ले लेता हूँ, शॉर्ट पोजीशन की हम देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लगाना है, टेल बार से ऊपर जहां से उसने स्टार्ट किया है, और आपका 1.5 का टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम। तो 1.5 आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भले ही वो गया हो पूरा 1.6 या जहां पर भी गया हो 192, मुझे जो देखना है 1.5 एटलीस्ट आपको इतना टारगेट यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अगर इतना आपको मिल जाता है आप गुड टू गो, वापस फीट के लिए इतना टारगेट प्रॉफिट रखेंगे। तो आपका मिनिमम टारगेट जब भी आप किसी भी ट्रेड में लें एटलीस्ट 1.5 इतना होना चाहिए। 2 मिल जाए और भी अच्छा है, 3 मिल जाए और भी अच्छा है। तो ये तो वो आपका पहला ट्रेड। दूसरा, अगर हम इसको और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अगला एग्जांपल, देखते हैं अभी और भी आपको यहाँ पर देखिए टेल दिख रही है। मान लीजिए अगेन प्राइस यहां से यहां तक गया, अब हम दोबारा से इसमें एंट्री के लिए देखेंगे। अब ये जो टेल बन रही है आप ये कहेंगे हम इसको क्या ले सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर सेलिंग मार्केट में है, तो फिर यहाँ पर आप बाय के लिए नहीं देखें, फिर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में जा रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड क्या है हमारा, डाउन की तरफ है। जब डाउन की तरफ ट्रेंड है तो हमें सेल के लिए देखना है, और सेल कहाँ देखना है, मूविंग एवरेज के पास। जैसे मैंने कहा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर बन रही है क्या मैं इसको शॉर्ट करूंगा, नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, भले ही इसकी विक की जो बॉडी से ज्यादा हो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। यहाँ पर आप दूसरी कैंडल देखेंगे, इसकी देखिए विक कितनी है, ये आपकी बॉडी है, विक की परसेंटेज कितनी है, 60-70%। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल मेरे लिए मैटर करती है, अगर मैं इसमें एंट्री लेना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर वही अगेन दो तरह के ट्रेडर आ जाते हैं, या तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या पेशेंस वाले ट्रेडर हैं। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर उसमें एंट्री ले लेंगे, दूसरा ट्रेडर कौन सा होगा जो कहेगा कि मैं पेशेंस वाला हूं जब तक ये नीचे की तरफ क्रॉस ना हो। तो जब ये नीचे की तरफ क्रॉस हो, ये वाली रेड कैंडल, आप इसमें एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस अगेन आपका दोबारा यहाँ। तो पेशेंस वाले में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा, अग्रेसिव वाले में कम, पर अग्रेसिव वाले में ये है कि आपकी एंट्री जल्दी हो सकती है पर वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो पेशेंस वाला आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, ये दोनों है, आपको ही देखना है कि आप एग्रेसिव हैं या आप पेशेंस वाले हैं, क्योंकि दोनों के प्लस भी हैं, दोनों के माइनस भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मेथड में है। ये नहीं कि एग्रेसिव वाला अच्छा है या पेशेंस वाला अच्छा है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस विक के ऊपर ही लगाना है, दोनों ही मेथड में। आपका 1.5 का टारगेट आप देखेंगे यहाँ पर, जो आपका यहाँ बनता है। अगर मैंने पहले मेथड से यहाँ पर एंट्री ली तो ये आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर हिट होगा, और अगर मैंने दूसरे मेथड से यहाँ पर एंट्री ली जो होगा यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी अगेन, ये यहाँ पर देखिए आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, पर यहाँ पर आप एक सेफ साइड रहेंगे। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद वो ऊपर तक चला जाए, तो इसीलिए इसको मैंने आपको बोल रहा हूँ ये एग्रेसिव होते हैं एक तरीके से, जो फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि एग्रेसिव अभी ग्रीन बार ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए फिर आप पेशेंस रख सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर फिर हम 1.5 देखेंगे कहाँ तक बनेगा, अब देखिए यहाँ तक बन रहा है। तो दोनों ही ट्रेड हालांकि इस केस में आपके सक्सेसफुल हुए हैं, दोनों ही ट्रेड आपके फेवर में गए हैं, पर वही आप एग्रेसिव रहना चाहते हैं, आप पेशेंस वाले हैं, तो उस केस के हिसाब से फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो है। आगे चलते हैं, क्या हमें और एंट्री यहाँ पर मिलती है। अगर हम आगे देखें, इसमें ट्रेड आपका कंटिन्यू गया है, अगेन रिट्रेसमेंट करके हम ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बिग वाली कैंडल बनी। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये देखिएगा कि अब बॉडी और विक क्या इसमें इंबैलेंस है, विक की परसेंटेज ज्यादा है या बॉडी से है, नहीं। आपको अगर नॉर्मल लगेगा जो क्लीन आई से आप देखेंगे, बॉडी भी 50% है और विक भी आपकी 50, दोनों 50-50 है या 60-40 ये कहें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इसलिए फिर मैं इस वाली विक को यहाँ पर मैं एंट्री नहीं लूंगा, इसको मैं पास आउट करूं, हालांकि मूविंग एवरेज के पास यहां पर बन रही है। दोबारा से आगे चलते हैं, अब आगे देखिए यहां पर ये वाली कैंडल बनी। अब इस कैंडल को आप देखेंगे क्या कहें कि ये जो कैंडल बनी है आपकी जो विक का पार्ट है
वो इतना है और बॉडी का पार्ट कितना है, तो वीक आपकी बन जाती है 80% या 90% कहूंगा मैं इस केस में, और बॉडी आपकी बन जाती है 10%। तो यहां पर आपकी ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है, अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहेंगे ये आपके लिए बेस्ट चांसेस है कि आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा, फिर वही चॉइस आ जाती है कि आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या पेशेंस वाले ट्रेडर हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मेरी एंट्री इसी केस में यहां पर हो जाएगी कि यहां पर मैं इसमें एंट्री। अगर मैं पेशेंस वाला ट्रेडर हूं तो जब तक ये इसकी पूरी एरिया को यहां पर ब्रेक ना कर दे नीचे की तरफ, तो यहां से आप देखिए, आप होपफुली आप क्लियरली समझ पाए यहां से क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया तो मेरी अभी एंट्री नहीं हुई, दोबारा रेड कैंडल बनी, अभी भी मेरी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि जब तक मेरी ये ब्लू वाली लाइन, मैं ब्लू लाइन को यहाँ पर इस वाली को कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप क्लियरली समझ सके। ये तो हो गई हमारी येलो लाइन, ठीक है, येलो लाइन हो गई हमारे पहली एग्रेसिव ट्रेडर की एंट्री। अब हम दूसरी एंट्री को देख रहे हैं, जब तक वो ब्लू लाइन को नीचे की तरफ ना क्रॉस करे तो मैं अभी तक इसमें एंट्री नहीं लूंगा। तो मेरी ग्रीन कैंडल बनी, अभी ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया, नहीं लूंगा। रेड बनी, अभी नहीं करूंगा। ग्रीन बनी, अभी भी नहीं क्रॉस किया है। ये वाली टच करके चली गई, अभी नहीं, पर यहां पर इसने क्रॉस किया है तो मेरी एंट्री कहां होगी, यहां पर एंट्री होगी। अब देखिए यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड में फर्क रहेगा, इतना फर्क है, पर यहां पर ये हो सकता था कि ये ऊपर की तरफ चला जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए एग्रेसिव वाले। तो अगर पेशेंस वाले हैं तो आपने ट्रेड नहीं लिया होता, पर अग्रेसिव ले लिया है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। इस केस में नहीं हुआ है क्योंकि आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ हमेशा इससे ऊपर लगाएंगे, तो ये नहीं कि 100% श्योर शॉट है आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, पर आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। आपको बस चॉइस ये करनी है, चूज ये करना है कि आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या आप पेशेंस वाले ट्रेडर हैं। तो पेशेंस वाले ट्रेडर में मैं इसमें एंट्री यहां पर लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ इससे ऊपर रहेगा, अगेन स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा यहाँ पर वो पहले वाले में, और मैं यहाँ पर भी अगेन इसमें 1.5 का टारगेट अगर देखूं, अगर मिलता है ठीक है, यहाँ पर आपका 1.5 ये हिट हो जाता है तो आपका ये ट्रेड तो सक्सेसफुल रहेगा और दूसरा वाला तो रहेगा ही, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पर बेटर था, आपने एंट्रीज में यहाँ पर ली थी, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था और 1.5 का टारगेट आपका इसमें यहाँ पर मिलता, तो ये वाला ट्रेड भी आपका सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पर। इसमें और केसेस देखते हैं क्या हमें और मिलते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर हायर टाइम फ्रेम में लेंगे तो बेटर चांसेस हैं, आपको इसमें बेटर मिलेंगे, आपको ट्रेड भी अच्छा मिलेगा। इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखिए अभी ट्रेंड डाउन में है, यहाँ पर ट्रेंड डाउन में था अगेन, हालांकि यहाँ पर कैंडल बन रही है, पर ये अभी एक रेंज बाउंड है, अगर आप लेना चाहें तो लेंगे, पर रेंज बाउंड से ऊपर अभी टारगेट यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो वो देखना होगा कितना बनता है नहीं बनता है, फिर उसको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करेंगे कि ये मेरे ट्रेड में आता है, ठीक है ना। तो इस ट्रेड को आप पास कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ पर ऊपर गया, आप ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर आप इसको लेना चाहें। यहाँ पर अगेन हम देखें कि आपकी टेल जो बार बनी है, ये वाली टेल बार बनी है, पर यहाँ पर देखिए उसकी नोज जो है बहुत बड़ी बनी है, हालांकि उसकी बॉडी जो परसेंटेज थी वो 60-70% थी, तो क्वालिफाई करता है। ओके, आप ट्रेड लेना चाहें, अगर आप कंफ्यूज हो या तो ये आपके ऊपर है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, पर आपको यहाँ पर दूसरा चांस मिल रहा है। दूसरा चांस कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर बॉडी देखिए और टेल बार देखिए, तो बॉडी जो आपकी बन रही है वो कम से कम कहूँ 30% के आसपास है, और आपकी विक जो है वो 70%, और जो नोज ऊपर की वो ज्यादा बड़ी नहीं, इस केस में बहुत बड़ी थी इसलिए उसको नहीं लेंगे, पर यहाँ वाले केस में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्कैंडल को छोड़ दीजिए, हम ऊपर के लिए नहीं देख रहे हैं, हम बाई के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसमें अगेन जो मैंने कहा दो तरीके की एंट्री होगी, पहली एंट्री आप यहीं पर इसमें एंट्री ले सकते हैं, दूसरी की एंट्री जहां पर वो आपकी इसको क्रॉस करे उसके बाद आप इसमें यहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो अगेन यहां पर अगर इसमें 1.5 का टारगेट देखूं, हम बाय के लिए देखें, स्टॉप लॉस अगेन टेल बार से नीचे लगाएंगे, जो इवन उससे पहले टेल बार है, जितनी भी टेल बार अगर उससे पहले भी है आप उससे उसको भी कंसिडर करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले केस में कंसिडर किया था। ये हमारा पहला केस था, हमारी टेल बार ये थी और हमने एंट्री इसके बेस पे ली थी, पर उससे पहले भी जितनी टेल बार थी उससे ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया, तो उन सबको कंसीडर कीजिए जब स्टॉप लॉस लगाएं। ये नहीं कि जो लास्ट वाली आपने एंट्री लिया उसके बीच में आपने यहाँ पर स्टॉप लगाने की सोच दें, तो वो आपको बार बार वहां पर हिट कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें अगर मैं एंट्री लेता हूँ, मैं 1.5 का टारगेट देखूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा उससे नीचे लगाइएगा, तो आपका एटलीस्ट यहाँ पर टारगेट मीट हो जाए।
अगेन चलते हैं आगे, देखते हैं बाई के लिए हमें और कुछ यहाँ पर मिलता है। दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आई, मूविंग एवरेज में है, अब हमारा हायर हाई बनने शुरू हो गए हैं, अब हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आप इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर देखिए क्या हमें कुछ एंट्री मिल रही है, ये वाली टेल देखिए कुछ खास मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं बनती है क्योंकि बॉडी की वैल्यू ज्यादा है, टेल जो है कितनी बड़ी नहीं है, ये वाली टेल भी इतनी बड़ी नहीं है, 50-50 में कहूंगा, तो मैं इसको पास करूंगा, मैं इसको भी पास करूंगा, इसको भी पास करूंगा। उसके बाद ये जो बन रही है ये मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर बन रही है, तो इसको भी मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, ये मेरे लिए मैटर नहीं करेगी, फिर मैं इसको एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि हालांकि इस कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी है जो उसकी टेल बार, एटलीस्ट आप कहेंगे कि जो टेल बार है वो 65 और बॉडी 35 है, पर मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, मैं नहीं लूंगा इसको, तो क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम बाय के लिए देख रहे हैं, सेल के लिए, टेल हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर वाली टेल को मत देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम ऊपर की टेल क्यों नहीं देख रहे हैं, अभी हम बाय के लिए देख रहे हैं तो टेल नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सी बन रही है, ये वाली देखिए कैंडल, इस कैंडल में क्या हो रहा है, जहां से प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर जाकर क्लोज हुआ है, आपकी विक कितनी है, मैं कहूंगा 90% या 100% आप कहना चाहे, जस्ट 5% के आसपास आपकी बॉडी है, मूविंग एवरेज से नीचे बढ़ रही है, राइजिंग मूविंग एवरेज है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, आप इसमें बाई करेंगे। आप बाई कहाँ करेंगे, अगेन दो सिनेरियो आपके पास आ जाते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप पेशेंस वाले, मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकूँ। तो अगेन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसी ये कैंडल फॉर्म हो आप यहाँ पर इसमें एंट्री ले लें, स्टॉप लॉस उससे नीचे लगाएंगे। अगर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हैं तो जो नेक्स्ट कैंडल जब प्राइस उससे ऊपर जाए तब यहाँ पर जाए तभी आप उसमें एंट्री लेंगे, जब उसको क्रॉस करे तो ये वाली एंट्री होगी, तो पेशेंस वाले ये ट्रेडर हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं और अपना टारगेट प्रॉफिट रखूं तो पहला मेरा यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि 1.5 अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपको टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर ये इस तरीके से मिल जाता है और आपके लिए ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा, 2:1 तक का भी टारगेट आपको मिल जाएगा। दूसरे में भी आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप उसमें भी एंट्री लेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर था नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप देखें, अगर हम इसको कंटिन्यू कर जाए, मैं आपको और जितने एग्जाम्पल है यहाँ पर देना चाहूँ दे सकता हूँ, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर अगेन दोबारा आया, अब देखिए यहाँ पर नोज बड़ी है, आप लेना चाहिए, कंफ्यूजन रह सकती है कि क्या मैं इसको लू ना लू, क्योंकि ये जो कैंडल है ये मैं आपको इसको विक कैंडल नहीं कहूंगा कि ये टेल बार है, क्योंकि ऊपर की भी नोज ज्यादा बड़ी है और नीचे भी है, तो मैं इसको पास करूंगा क्योंकि जो नहीं है भले ही प्राइस उसके बाद ऊपर जाए वो मैटर नहीं करता है, हमें जो देखना है जो ये बॉडी हुई है टेल नीचे है ओके, पर अगर नोज छोटी है ओके चल जाएगा ज्यादा, पर वो भी अगर बड़ी बन रही है फिर हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, फिर हम उसको नहीं देखेंगे, अगर वो बड़ी होती चली जाएगी फिर तो ये आपकी टेल बार या टिन बार इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, आपकी बॉडी से नीचे बननी चाहिए अगर हम बाई के लिए देख रहे हैं, अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ बनने चाहिए, तो टेल बार ऊपर की तरफ जितनी बड़ी हो, नीचे वाली बड़ी नहीं फिर तो वो मिडल में आ जाएगा, फिर वो टेल बार उसको हम नहीं कहेंगे, तो हम इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, इसको भी डिस्क्वालीफाई करेंगे कि है ही नहीं ये टेल बार ही नहीं, यहाँ पर भी देखिए इसकी नोज कितनी बड़ी है, इसको भी मैं नहीं लूंगा, जितनी बड़ी ऊपर उसकी नोज होती चली जाएगी उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आप देखें अगर आप कहें कि मैं इसको लेना चाहूँ, ले सकते हैं इसको ले सकते, आप यहाँ पर इसमें एंट्री करना चाहें, स्टॉप लॉस नीचे लगाना चाहें, टारगेट प्रॉफिट देखें 1.5, तो ये नहीं कि हर बार ही आपके टारगेट प्रॉफिट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% श्योर शॉट है, तो कभी आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बस आपको ये है कि स्ट्रेटेजी आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, ये यहाँ पर आ गया, क्या मुझे 1.5 का टारगेट मिला था या नहीं मिला था, अगर देखें मान लीजिए मेरा यहाँ था, इसमें मैंने बाय के लिए देखा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, क्या मुझे यहाँ पर 1.5 आपको आराम से मिल रहा है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सभी ट्रेड प्रॉफिट मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी स्ट्रेटजी के साथ नहीं होता है, आपके स्टॉप लॉस भी आते हैं और वो आते रहे, मैं कह रहा हूँ आप जस्ट बॉडी को पहचानिए क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है, इसको आप इस वाली कैंडल को आप नहीं कहेंगे कि आपकी टेल बार है, ये बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करती है, इसको भी कहेंगे ये नहीं क्वालिफाई करती है, आपकी बॉडी टेल बार से नीचे होनी चाहिए और नोज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चल जाएगी ज्यादा बड़ी नहीं चले, फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। चलिए आप ये वाली कैंडल देखिए, हमारा एक और एग्जांपल है यहाँ पर, इसको देखते हैं,
ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इससे आपको क्लियरली होने जाना चाहिए। यहाँ पर तो आप सीधा कहेंगे कि ये पूरी टेल बार है, नोज कितनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर हम नीचे वाली विक को देखें तो ये आपकी 80-90% ही डोमिनेट कर रही है बॉडी के ऊपर, और नोज भी बहुत छोटी है। तो यहाँ पर आप इसमें एंट्री यहीं पर ले लेंगे, यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसको पूरा क्रॉस करे, या यहाँ पर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन उसके नीचे लगाएंगे। अगर मैं ले, मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे रखता हूँ जहां से उसने स्टार्ट किया था, 1.5 का मैं टारगेट रखूंगा। तो मेरा टारगेट प्रॉफिट आप देखेंगे जहां पर भी हो इस तरीके से हिट हो सकता है। तो ये सब क्राइटेरिया है जो आपको माइंड में रखने हैं कि पहचानना है पहले टेल कौन सा है, बिग बार कौन सा है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, लोकेशन कहाँ है, मूविंग एवरेज के पास है। अगर मैं देखूं कोई और एग्जांपल हमें यहां पर मिलते हैं टेल्स बार के रिसेंट में, और तो मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे। जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्म, अगर यहां पर ही आप देखें, आप यहां पर देख सकते हैं, आप कहेंगे यहां पर फॉर्म हो रहा है, क्या मैं इसको ले सकता हूं। देखिए वही ट्रेंड आपका क्या है, पहले आप ये कंसीडर कीजिए ट्रेंड आपका क्या है, डाउन है। आप सेल के लिए देखेंगे, सेल के लिए कहां, मूविंग एवरेज के पास। मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस जाएगा, अब यहां पर भी देखिए टेल बार तो यहां पर भी फॉर्म हुआ, क्या मैं इसको लूंगा, नहीं, मूविंग एवरेज के पास नहीं है, क्यों लेंगे आप। जैसे मैंने बोला क्लियरली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। दूसरा ये वाला बार देखिए, इस वाले बार में आपकी टेल आपकी बॉडी से बड़ी है, नो ज्यादा बड़ी नहीं है ये वाली टेल से। अगर ये इस तरीके से होती मैं नहीं लेता, मतलब कि 40-50 दोनों बराबर में हो तो नहीं लेंगे। नोज बहुत बड़ी है, यहाँ पर देखिए ये वाली विक जो है बहुत बड़ी है, ये वाली बहुत छोटी है नोज, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं आप बाई की। फिर वही ऑप्शन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बोरिंग लगेगा पर कि कैसे जितना सिंपल और सको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि एंट्री आपको लेनी है अगर आप एग्रेसिव हैं जैसे यहाँ पर, या फिर उसको क्रॉस करें यहाँ पर, या जहां पर भी आपको एंट्री मिले, क्योंकि कई बार एकदम से फॉर्म हो जाएगी आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो नेक्स्ट कैंडल जो भी हो आप उसमें एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस वहां पर लगाइए, यहाँ पर एंट्री लेते यहाँ पर लगा देते, इस तरीके से आप इसको टारगेट प्रॉफिट 1.5 या 2:2 जो भी आपको देखना हो आप इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, और जो भी फिर आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं। इस वाली को हम कंसीडर नहीं करेंगे, भले ही वो आपके प्रॉफिट में जाएगा क्योंकि बॉडी और जो आपकी टेल है बिल्कुल बराबर की। मैं एक दो एग्जांपल और ले देता हूं, मैं गोल्ड में आपको देख लेता हूं अगर आप गोल्ड में कुछ समझ सके। चलिए रिसेंट प्राइस हम देख लेते हैं, यहां से मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूं जो भी है। अगर हमें कुछ यहां पर मिलता है, अगर बाय 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 ये आपका सेल, अगर हम यहाँ पर इसको देखें, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं अगर आपके पास टाइम है। यहां से आपका प्राइस नीचे डाउन जाना नीचे शुरू हुआ, ओके। अब यहां पर देखिए ये वाली टेल फॉर्म हो रही है, अब है तो ये मूविंग एवरेज के पास ज्यादा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको लेना चाहे नहीं, पर आइडियली ये क्वालिफाई कर रही है क्योंकि इसकी बॉडी जो छोटी है विक बहुत बड़ी है। अगर ये मेरे यहाँ पर होती तो मेरे लिए बेटर रहता, क्योंकि प्राइस जो है बहुत स्ट्रॉन्गली नीचे गया है तो ज्यादा रिट्रेसमेंट आपको दे नहीं रहा है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहें ले सकते हैं, या आपके ऊपर आप क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं। तो वही आपको डेमो में ये ट्रेड लेने होंगे कि आपको देखना होगा, आइडल सिनेरियो है जितना मूविंग एवरेज के पास होगा उतना बेटर रहेगा, अगर नहीं है तो आप उसको पास करेंगे। तो आप ये आपके ऊपर है, आप इसको लेना चाहें, स्टॉप लॉस ऊपर लगाना चाहें, टारगेट प्रॉफिट ले सकते हैं। अगेन दोबारा वाला देखिए, ये भी मूविंग एवरेज से काफी दूर है, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने टेस्ट किया है, जो मेरे को बेटर रिजल्ट मिले हैं मूविंग एवरेज के पास। जितना आप सेल करेंगे या बाय करेंगे उतना आपके पास बेटर रहेगा, टारगेट प्रॉफिट आपको अच्छे मिलेंगे वहां से। तो आई होप गाइस, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन में चलता हूँ ताकि आपको कंटिन्यू कर सकूं। मुझे बताइएगा जब आपको प्रेजेंटेशन दिखे, क्या प्रेजेंटेशन दिख रही है। क्या सभी को प्रेजेंटेशन दिख रही है, ये हाउ टू एंटर वाला स्क्रीन दिख रही है। प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके
जैसे यहाँ पर ये ड्राइंग बनी हुई है, तो मैं इसी के ऊपर यहाँ पर रिपीट करता हूँ जो हमने अभी तक यहाँ पर कवर किया है। सिंपल चीज जो मैंने अभी तक आपको सभी बताई है, बाय कहाँ पर करना है, अगर आप बाय के लिए देखेंगे राइजिंग मूविंग एवरेज हो, 20 मूविंग एवरेज आप यूज करेंगे, आप एस एम ए यूज करना चाहें, आप ई एम ए यूज करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पर बाय करना है, सेल करना है, जब भी प्राइस ऊपर जाए ट्रेज करके 20 मूविंग एवरेज के पास आए, या तो उसके ऊपर हो या उससे नीचे हो, वो आइडियल सिचुएशन है। जितना दूर रहेगा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने गोल्ड के एग्जांपल में देखा, वो आपको इतना बढ़िया एंट्री नहीं मिल रही थी, तो ये आपके ऊपर है, आप उसको पास करना चाहें या उसमें एंटर करना चाहें। तो बाय के लिए आप हमेशा देखें राइजिंग मूविंग एवरेज, टेल बार या पिन बार, जो भी आप इसको बोलना चाहें, उसके पास या उससे नीचे हो। अगर मैं सेल के लिए देख रहा हूँ, सिंपल अगेन डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज आपकी, जस्ट अगेन मैं इसको ले लेता हूँ, डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज, प्राइस रिट्रेस करके उसके पास आए उतना बेटर रहेगा, एट और या उससे ऊपर। अगर हम बाय के लिए देख रहे हैं, एट या उससे नीचे, कैंडल इसमें टिक जो विक होगी वो नीचे की तरफ, यहां पर देखेंगे विक ऊपर की तरफ। यहां पर फिर आप इसमें सेल के लिए देखेंगे स्टॉप लॉस विक से ऊपर, स्टॉप लॉस विक से नीचे। दो तरह के ट्रेडर आ जाते हैं, एग्रेसिव या पेशेंस वाले। एग्रेसिव इमिडिएटली जहां पर ये कैंडल फॉर्म हो आप एंट्री लेंगे, अग्रेसिव जब प्राइस क्रॉस करे, भले ही वो ग्रीन में जाए या क्रॉस करके नीचे आ जाए, क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस हो जाए तभी आप एंट्री लें। यहाँ पर भी जब वो उसको क्रॉस करे तभी आप उसमें एंट्री लें, जब क्रॉस करे तब आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उससे नीचे लगाइए 1.5:1, जो भी आप अपना फॉलो करते हैं इसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं और इसको टेस्ट कीजिएगा। जैसे मैंने बोला हाई टाइम फ्रेम में आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और इससे अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो अभी मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको अकाउंट टिक बिल में है आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर आपको अकाउंट मेरी मेंबरशिप में खोलना है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इन फ्यूचर सपोर्ट चाहिए, तो डिपॉजिट विड्रॉ में आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक से खुला हुआ है तो लिंक जो है अगर मेरे यूट्यूब पर जाए तो आप वहां पर देख सकते हैं। या आपके कोई भी क्वेश्चन हो forexsalary.india@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर forex.salary या फिर टेलीग्राम forex.salary connect यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन हो अगर आपके तो आप पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है फिर तो ठीक है, और भी अच्छी बात है। अमनदीप जी सिंह क्लियर है, बिल्कुल गुड। इसका मतलब है या तो मैं समझा सका अच्छे से या बिल्कुल सब कुछ ही क्लियर है, या तो क्लियर है या ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब कि सब कुछ ऊपर आपके ऊपर से गया है, हा? ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ऊपर से गया है, मतलब कि कुछ समझ में आया क्लियर। जी वैशाली जी पूछ सकते हैं आप, चैट में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन अपने चैट में टाइप कर सकते हैं। तेजस्वनी एवरीथिंग इज क्लियर है, थैंक यू तेजस्वनी जी कि आपको समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। संदीप जी ओके, वैशाली जी आप पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन, अगर आप पूछना चाहें। लोअर लो क्या है, राधे कृष्ण जी, लोअर लो क्या है, जैसे मैंने अभी चार्ट में बताया था आपको, मैं अपने चार्ट में दोबारा वापस चलता हूँ, हमारा वो भी सेक्शन था अगर आप मिस कर गए। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, लोअर लो मतलब कि जो लो बना है वो पिछले लो से नीचे बना है। तो यहाँ पर ये देखिए लोअर लो बना, लोअर लो ऊपर वाला लोअर हाई होता है, नीचे वाला लोअर लो, ठीक है ना। तो अगर हम अप ट्रेंड के लिए देखते हैं तो हायर हाई हायर, तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला लो इस लो से नीचे बना है, लोअर हाई इस नीचे। तो LHLL इसकी फुल फॉर्म है लोअर लो या लोअर हाई। वैशाली मेश्राम जी बोलिंजर बैंड भी लगा सकते हैं, देखिए आपके ऊपर है, अगर आप इसमें और ज्यादा इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, ज्यादा इंडिकेटर को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो इंडिकेटर के ऊपर भी बाकी वेबिनार करूं अगर आपके लिए होंगे, समझना चाहिए आना चाहिए, अगर जो आपके लिए सुटेबल हो आप उसको देख सकते हैं। ओके रीना जी थैंक यू, एवरीथिंग इज क्लियर। धर्मजीत सिंह जी जस्ट मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है,
सर अगर ट्रेंड डाउन है और कोई न्यूज के कारण कोई बिग कैंडल ट्रेंड के रिवर्स जाता है तब एंट्री किस तरफ करनी है? देखिए अगर न्यूज एकदम से आने वाली है, बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, एनएफटी की हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि पता नहीं फिर किस तरीके से मार्केट जा सकते, तो आपका स्टॉप लॉस बिल्ट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद जब स्ट्रक्चर जो फॉलो करे उसके बाद फिर आप एंट्री लीजिए। 15 मिनट्स चार्ट, देखिए मैं 15 मिनट्स में नहीं कहूंगा, आप करना चाहें कर सकते हैं, जो आपको बेटर रिजल्ट मुझे मिलते हैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 15 मिनट में भी करना चाहें कर सकते हैं, पर ज्यादा बड़े टारगेट मत रखिएगा। 20 मूविंग एवरेज में 4 या 8 या 1 डे कौन सा यूज करते हैं, 4 आवर 8 आवर या 1 आवर? देखिए टाइम फ्रेम अलग है, मूविंग एवरेज अलग है, अगर 20 मूविंग एवरेज कर रहे हैं तो जितने भी टाइम फ्रेम का होगा उस टाइम की मूविंग एवरेज बनेगा, अगर मैं 1 आवर में यूज कर रहा हूँ तो 20 की एवरेज होती है, 4 आवर का होगा तो 4 आवर की 20 कैंडल्स हो। वैशाली जी थैंक्स, ओके थैंक यू वैशाली जी। अमित जी 15 टाइम फ्रेम पे नहीं चलेगा, चल सकता है पर आपको बेटर रिजल्ट ना मिले, इसकी मैं कहूंगा कि पहले आप टेस्ट कीजिएगा क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती, एकदम से टेल बार फॉर्म होती है और वो फेंक दी ज्यादा देर, तो इतने अच्छे रिजल्ट ना मिले, मैं कहूंगा पहले आप टेस्टिंग में देखिए तो आपको इसको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर मिलते हैं आप इसको किसी चीज के साथ कंबाइन करना चाहें, जैसे वैशाली जी पूछ रही थी क्या हम इसको बोलिंजर बैंड या किसी और चीज के साथ देख सकते हैं, पर सभी को समझ में आया जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ स्ट्रेटजी, बहुत उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आई, और जितना मैं सिंपल कर सकता था, जितने बार बार उसको रिपीट कर सकता था उतना मैं यहाँ पर सिंपल किया और बार बार रिपीट किया ताकि आप उसको एक लेमैन लैंग्वेज में साधारण से आदमी भी उसको समझ सके। सर क्या ये वेबिनार YouTube में डाउनलोड करेंगे कि मेरा एक वेबिनार मिस हो गया था? जी इकबाल जी, जो भी वेबिनार होंगे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, मैं ये सभी वेबिनार YouTube पर डाल दूंगा, अगर आपको मिस हो गए हैं, ये 4 वेबिनार की सीरीज है, अगर आपको कोई मिस भी होता है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे और भी बेटर रहेगा, वहां पर मैं थोड़े टाइम बाद उनको अपलोड करूँगा। संदीप सरोजी, टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है आप जो यूज करें? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ये टाइम फ्रेम अच्छा है या ये टाइम फ्रेम अच्छा है, सभी टाइम फ्रेम अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं अपनी पोजिशन को होल्ड करता हूँ, तो मुझे 4 आवर डेली के टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, अगर मैं इंट्रा डे ट्रेडर हूँ तो मैं 1 आवर 15 मिनट्स ये यूज करता हूँ, अगर मैं स्कैल्पिंग का ट्रेडिंग यूज करता हूँ तो मैं 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट को यूज करता हूँ, तो वो आपकी नीड के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा आपको यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मिनट बेकार है या डेली अच्छा है या डेली बेकार है या 5 मिनट अच्छा। थैंक यू मंदीप जी, वेरी वेरी सिंपल, ओके। और कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर हम रैपअप करते हैं। नरेश कुमार जी, आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछिए चैट में, मुझे नहीं दिखा आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिला नरेश जी, सर मेरा क्वेश्चन क्यों में है आप जवाब नहीं, दोबारा पूछ लीजिए नरेश जी, दोबारा दे दूंगा, मुझे नहीं दिखा, शायद आपका क्वेश्चन नहीं देख पाया मैं, दोबारा टाइप कर दीजिए। ओके संदीप जी, संदीप सर जी थैंक यू। सर प्राइज एक्शन में एक वेबिनार कीजिए, इससे अच्छा प्राइज एक्शन आप क्या सीखेंगे, मैं कैंडल स्टिक के ऊपर, ये प्राइज एक्शन में ही आती है सब चीजें, आप बिल्कुल ही सब कुछ ही हटा देंगे। राधे कृष्ण, दिस एनालिसिस इंडियन स्टॉक में यूज कर सकते हैं? देखिए स्टॉक में यूज कर सकते हैं पर वो स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी चेक करना पड़ेगा, अगर वहां पर फंडामेंटली अगेंस्ट है आप उसको बाय करने के लिए देखना शुरू कर देंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, भले ही वहां पर वो टेल बार या पिन बार भी फॉर्म हो, तो मैं नहीं कहूंगा कि जस्ट ब्लाइंडली आप उसको ट्रेड कीजिए। हाँ नरेश कुमार जी, सर साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी काम करती है? नहीं, इतना बेटर आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा नहीं, साइड बेस में मूविंग एवरेज आपकी साइड में चलेगी, तो उस केस में दूसरी स्ट्रेटेजी तरीके से आपको बाय या सेल करना होगा, उसके ऊपर भी अगर इन फ्यूचर में हम बाय करेंगे कि अगर साइड बेस में है तो किस तरीके से बाय या सेल कर सकते हैं। रीना जी थैंक यू रीना जी आपकी फीडबैक के लिए। राधे कृष्ण जी ओके थैंक्स, ओके अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम रैपअप करते हैं, और जो नेक्स्ट वेबिनार होगा वो अगेन आपका नेक्स्ट थर्सडे को होगा, आप या तो इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे नहीं पर आपको आई थिंक इसी लिंक से आपने सभी के लिए ज्वाइन कर लिया होगा, आपको रिमाइंडर आ जाएगा, अगर रिमाइंडर नहीं है आप दोबारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके पास ईमेल आ जाएगी जैसे आप देखिए। ओके ओके इकबाल जी, आगे अगर आने वाले दिनों, अभी हमारे पास शेड्यूल है जो हमें करना है, आगे इन फ्यूचर में हम करेंगे, तो अभी के लिए मैं रैपअप करता हूँ, जिन्होंने भी ज्वाइन किया थैंक यू धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार, ओके गुड नाइट, सी यू।
नेक्स्ट पर। ओके थैंक यू अभी।